हमारे साथ सिने अभिनेता राजा बुंदेला, जो भारतीय जनता पार्टी के बुंदेलखंड विकास बोर्ड के सदस्य हैं, जो हमारे साथ ग्राम हिमलिया में पधारे हैं। आप बुंदेला जी गांव की माटी के वो बेटे हैं जिन्होंने ललितपुर के ललित को सुंदर से बेहतर सुंदर बनाने के लिए आप सरकार के आश्रय और सरकार को आधार मानकर जनता की भलाई और जनता के हित के लिए आप ललितपुर के ग्राम हिमलिया में पधारे, किसान गोष्ठी में पधारे। किसानों के हित में आपने अनेक योजनाओं के बारे में बताया। ललितपुर लाइव टीवी से माध्यम से हम बुंदेलाई से बात करते हैं कि आज की गोष्ठी का सार क्या था, उद्देश्य क्या था किसानों के हित के लिए। सबसे पहले आप सबको धन्यवाद, और ख़ासकर ये जैविक वालों और शक्ति वालों ने जो इतना बड़ा ये किसानों को एक साथ जोड़ा है। बाहर से आए हुए जो सफल किसान हैं जिन्होंने दूसरे के भरोसे खेती नहीं की, जो खुद अपने पैरों पर खड़े हो गए और आज संपन्न हो चुके हैं, उनको यहाँ बुला के मंच दिया और उनसे हम लोगों ने सुना कि वो किस तरह से आगे बढ़े। तो ये बहुत बहुत बड़ी पहल है। बल्कि हम यही चर्चा कर रहे थे कि बुंदेलखंड विकास बोर्ड के ज़रिए हम इन लोगों को गांव में ले जाएं, ब्लॉक में लेके जाएं, और हम उनसे चर्चा कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा प्रताड़ित आज की दुनिया में और ख़ासकर बुंदेलखंड में अगर कोई है तो वो हमारा किसान है ना। वो अपना भाव तय कर पाता है, कभी मौसम के भरोसे, कभी किसी सरकार के भरोसे, इसमें वो जीवन काटता है। अब ज़रूरत आ गई है कि हम इस अन्नदाता को पहचानें और इसको सही मान दें, उसकी ये पहल है। और मैं बुंदेलखंड विकास बोर्ड के माध्यम से माननीय योगी जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कम से कम एक पहल तो की कि बुंदेलखंड के लिए हम सब लोग मिले। हम सब लोगों ने चर्चा की, माननीय मानवेंद्र सिंह जी आए, हमारे अध्यक्ष जी, और इस तरह के कार्यक्रम होंगे। और ये वादा है कि अब बुंदेलखंड निश्चित रूप से उस ओर बढ़ रहा है जिस ओर 40 साल 50 साल पहले बढ़ना चाहिए था। योगी जी और मोदी जी अगर हैं तो एक की वजह से संभव है और एक की वजह से भरोसा है। अभी आपके इस गोष्ठी में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के प्रतिनिधि माने या इस के वी राजू आए, उन्होंने कोई इस तरह की घोषणा जी की? उन्होंने 8 पॉइंट्स बताए हैं जो उन्होंने कहा है कि हम किसानों को लेकर, मजदूरों को लेकर, महिलाओं को लेकर और आपके विद्यार्थियों को लेकर और आपकी स्वास्थ्य को लेकर 8-9 पॉइंट्स हैं जिस पर चर्चा हुई है। बुंदेलखंड विकास बोर्ड जो है जी, उसके माध्यम से जनपद को आज के इस आयोजन से कुछ उपलब्धि मिलने की साथ सबसे पहले तो इस मंच से अनाउंस हुआ है कि मिलिया में ही एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 20 करोड़ रुपए का जापान के किसी के माध्यम से यहाँ शुरू होने वाला है जैविक खेती के लिए। यह है, हम देखिए एक व्यक्तिगत और एक शहर विशेष और एक नगर विशेष को ना लें, हम समग्र बुंदेलखंड की बात करें और समग्र बुंदेलखंड को ही विकास की ज़रूरत है। अगर एक शहर आप कहेंगे तो दूसरा शहर कहीं और जाएंगे वो कहेंगे। हम ये कहें कि एक उद्योग एक शहर, इस शहर में ललितपुर में एक उद्योग हो जाए, एक आपका झांसी में हो जाए, बड़े बड़े उद्योग जैसे एयरपोर्ट खुल जाए, आपको फूड प्रोसेसिंग खुल जाए, जो कि हम सब ने मांग की है कि इस क्षेत्र में मटर सबसे ज़्यादा होता है, टमाटर सबसे ज़्यादा होता है, नींबू होता है, आंवला और मिर्च होती, तो एक अगर हमारा प्रोसेसिंग सेंटर बन जाए, एक भंडारा बन जाए, जो प्रदीप चौबे की मांग थी, तो हमारे लिए, हमारे किसानों के लिए एक बहुत लाभदायक होगा। इसी तरह से बांदा में डेयरी बन जाए वहाँ के दूध वालों के लिए, चित्रकूट में एक पर्यटक का सेक्टर बन जाए, कॉरिडोर बन जाए जिसमें पर्यटक धार्मिक भी आए और टूरिज्म वाले आए। तो हमें समग्र बुंदेलखंड को लेके सोचना है। हमने जैसे आपके देवगढ़ को हमने स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए प्रपोज़ किया है और किरण रिजिजू ने उसकी सहमति दे दी और हमारे राज्य मंत्री ने भी इसको सहयोग करने की वादा किया है। तो हमें पूरा बुंदेलखंड देखना है और इन नौजवानों को ही इस तरह खड़ा करना है कि ये अपने लिए सोच सकें। अभी आपने एक निरीक्षण किया जैविक से संबंधित कुछ, उसमें आपको क्या उपलब्धि मिली, नयापन क्या पाया आपने? हमने एक तो पहली बात कहे, उन्होंने ये बताया कि हमें अपनी गांव वालों को अपनी ज़रूरत वाली चीज़ों को लेकर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे गेहूँ ये बेचते हैं, गेहूँ बाहर जाता है, फिर साफ़ होता है, ठीक होता है, फिर गेहूँ से बिस्किट बनते हैं, उन्हें बिस्किट ये खाते हैं। इसी तरह 10 उन्होंने पिसी हल्दी आ जाती, पिसी मिर्ची आ जाती है। पुराने ज़माने में विनिमय था, अगर कोई बड़े थे उन्होंने दरवाजे बनाए तो किसान ने उनको अनाज दे दिया, कोई मत्स्य पालन थे तो उन्होंने अपनी मछली दी तो किसान ने उनको अपना अनाज दे दिया। तो गांव का पैसा गांव में ही रहता था, समृद्धि भी गांव में होती थी। अभी हम सब लोग मार्केट ड्रिवन हैं, जो सारे लोगों ने यही बात कही कि किसानों को अपने अपने पैरों पर आपस में ही
तय करना होगा कि वो किस तरह से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे के साधन को इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं। इन लोगों को मैंने यही वादा किया है कि हम चाहते हैं बुंदेलखंड बोर्ड आपको आमंत्रित करे और आमंत्रित करके हम ब्लॉक टू ब्लॉक आपको घुमाएंगे, ताकि जो चीज़ें ये बता रहे हैं ये तो हमारे गाँव में उपलब्ध है। अब जो ये मुनगा बेच रहे, घर घर मुनगा होते, आप मुनगा, तुलसी, नीम, ये आप ये सब घर घर होते हैं, और घर घर अगर हुई है तो उपयोग भी हमें बताएंगे, तो सब लोग वैसे करेंगे ना। अभी हमें उपयोग नहीं आ रहा है, हमारे पास है तो सब चीज़ें, तो वो उपयोग की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है, तो संभव है आगे हम लोग इसी को प्रयोग करेंगे। अभी आपने सीनियर अभिनेता और भारतीय जनता पार्टी बुंदेलखंड विकास बोर्ड के सदस्य राजा बुंदेला से जनपद ललितपुर के ग्राम इमलिया में जो प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है जैविक खेती के अंतर्गत, उनके विचार सुने और माननीय योगी जी का संदेश भी सुना। यकीनन पूरे बुंदेलखंड में आने वाले समय में उन्नत खेती और किसानों के चेहरे पर प्रसन्नता नज़र आएगी, और जिस माध्यम से उन्होंने अपनी बात कही, यकीनन आने वाला दिन, आने वाला कल, सबका साथ सबका विकास नारा बुलंद होगा, भारतीय जनता पार्टी का नारा बुलंद होगा, और जनता के बीच में यह नारा एक विकास के रूप में बुंदेलखंड विकास की पहल सार्थक हो। और इनका जो 71 वस्तुओं का संग्रह है, जो इनके साथ हैं, जो हर समय ये स्टॉल लेकर चलते हैं, हम आपको दिखा सकते हैं, देख सकते हैं आप, अनेक प्रकार की उपलब्धियां वस्तु हैं जो आप देख सकते हैं, जिसमें अनेक प्रकार की विधाएं, अनेक प्रकार की गुण, औषधि और जैविक खेती के साथ साथ मानव शरीर के लिए हितकारी वस्तुएं आपने बनाई हैं। आप जर्मन से अनेक प्रकार की उपलब्धियाँ तकनीकी के अंतर्गत आपने शिक्षा पाई है। हम बात करते हैं सैनी जी से उनकी उपलब्धियों के बारे में। सैनी जी बताएं, आपकी क्या उपलब्धि है और क्या आप उद्देश्य लेके किसानों के प्रति और मानव समाज में लेकर आप कोई संदेश चल रहा है? हमारा जो है FPO है, संघर्ष बायो एनर्जी प्रोड्यूसर कंपनी, उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड नाबार्ड द्वारा प्रायोजित है। हम अपने सहारनपुर में लगभग 4000 किसानों का ग्रुप बनाए हुए हैं, जिसमें 5 FPO हैं जो मधुमक्खी पालन के साथ साथ ऑर्गेनिक खेती और औषधीय खेती, औषधीय खेती में हम लोग लेमन ग्रास, कोंच, जावित्री, ये अपना जो है मोरिंगा और कैमोमाइल, इस तरह की खेती, सर्पगंधा, इस तरह की खेती किसानों के बीच कर रहे हैं और किसानों से करा रहे हैं। तो हमारा मकसद है कि किसान कैसे सक्षम हो। आप इसमें कुछ प्रशिक्षण वगैरह भी देते हैं? हम प्रशिक्षण हम लेमन ग्रास से लगा करके भोजन से उपचार तक और मधुमक्खी पालन के सबके प्रशिक्षण देते हैं हमारा FPO। आज की गोष्ठी में आपके आगमन से यहाँ के क्षेत्रवासियों को कुछ लाभ मिलेगा? देखिए, ये किसानों के ऊपर डिपेंड है, हम लोग कुछ देने नहीं आए, किसान लेना चाहे तो हम जरूर देंगे, क्योंकि हमने घोषणा भी की है कि बुंदेलखंड एक प्राकृतिक संपदा का धनी है। अगर किसान लोग कुछ काम करना चाहते हैं तो हम उनके लिए हमेशा तत्पर हैं, हमेशा उनके हेल्प करेंगे, उनके गांव में आकर के मधुमक्खी पालन और रोज़। हमारे साथ हैं ललितपुर जनपद के आलोक जैन खजुरिया, जिन्होंने ग्राम इमलिया में, कहते हैं कि जंगल में मंगल कैसे होता है, जंगल में मंगल वाली कहावत को उन्होंने सरकार की योजनाओं के माध्यम से लाने का प्रयास किया था। हम उन्हीं से बात करते हैं आज की किसान गोष्ठी में। उनके इस किसान गोष्ठी को आयोजित करने का क्या उद्देश्य था और क्या उनकी थीम है आगामी भविष्य को लेकर, बताएं खजुरिया जी। देखिए, ऐसा है कि हमारा जो एक FPO है ललितपुर जनपद में, 5 FPO बने हुए हैं उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के द्वारा, जो समय समय पर यहाँ पे लोगों को, किसानों को, प्रगतिशील किसानों को जोड़ के इकट्ठा करके गोष्ठियाँ करते हैं। तो हमारी यहाँ पे एक काफ़ी दिनों से विचाराधीन चल रहा था एक गोष्ठी करने का, तो ताकि इसमें बड़े हमारे जो बाहर के बने हुए FPO हैं, सहारनपुर हैं, बाहर हैं, और अन्य एग्रीकल्चर सोसाइटियों के बाकी और डिपार्टमेंट हैं, जैसे यूनिसेफ वगैरह है, NSIC है, कुछ कई तरह के अधिकारियों किसी के साथ। ग्रुप में क्या विशेषता है किसानों के हित में? नहीं, किसानों के हित में विशेषता एक है, बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है ना, यहाँ की धरती सोना उगल सकती है, यहाँ अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा यहाँ की धरती में कम केमिकल युक्त जहर जो है ना, जिसको जहर बोले, वो बहुत कम है। तो हम चाहते हैं यहाँ पे किसान जो है जैविक खेती करें, और किसान का जो मेहनत है, मेहनत का पैसा है, वो किसान के पास रहे, जैसा कि अभी सभी वक्ताओं ने बताया है, ना कि दूसरे के मार। किसान अपने जो माल ऐसा पैदा करेंगे उसका भाव किसान खुद लगाएगा। आज किसान जो पैदा करता है उसका कोई भाव मोल भाव किसान कुछ नहीं कर सकता। खेती के माध्यम से कौन कौन सी जिन्सों को पैदा करने का आपने वो लिया है? यहाँ पे जो जो हो सकती हैं, हमारे अन्य FPO के जो विशेषज्ञ हैं, हम अगले महीने उनसे मीटिंग करेंगे, जब तक फसल कटने के पहले ही, और हमारे पास कम से कम 100 फार्मर हैं जो इस बात के लिए तैयार हैं, इस तरह की खेती के लिए उनकी सहमति है, और हम इस बार अगले सीजन में
500 एकड़ पर जैविक खेती और औषधीय एवं संगत खेती करने जा रहे हैं। हाँ, शुरुआत में ही इसी सीजन में। उत्तर प्रदेश सरकार से आपको क्या आशा है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार से? तो जो योजना है किसानों के हित में, जो किसानों का जो मूल्य है, किसानों का लाभ है, जो उनको मिल सके पूरा। हम नहीं चाहते कि किसान किसी अनुदान पे या इस पे आश्रित रहें। हम किसानों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, उद्देश्य है। जो खजूरिया जी का कहना है कि किसान स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, और वह अपने आत्मनिर्भर बनकर स्वावलंबी बनकर उन्नत खेती करे, जैविक खेती करे, जिससे वह अन्नदाता जो कहलाता है, वो अन्नदाता हकीकत में धरातल के पहलू पर दिखे। यही खजूरिया जी का आज किसान गोष्ठी के माध्यम से उद्देश्य था, जो जिन्होंने विभिन्न अधिकारियों के साथ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ आज गोष्ठी की। मनीष जी, ललितपुर लाइव टीवी के साथ।